हाँ जी दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ में। अपना टॉपिक जो है वो प्रदीप्ति का चल रहा था और प्रदीप्ति के चैप्टर में अपन ने जो है लैंप के बारे में देख लिया था और अपन ने जो है गैस डिस्चार्ज लैंप पढ़ लिया था पिछली क्लास में, यानी गैस डिस्चार्ज लैंप अपना कम्प्लीट हो चुका था। गैस डिस्चार्ज लैंप के अंदर केवल एक टॉपिक बच रहा है, वो आज कम्प्लीट करेंगे अपन। और गैस डिस्चार्ज लैंप के अंदर यानी मर्करी वेपर जो लैंप होता है, मर्करी वेपर लैंप के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। और मर्करी वेपर लैंप के अंदर जो है अपन आज लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप को पढ़ेंगे, यानी लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। देखो लो प्रेशर और मर्करी वेपर लैंप, यानी मर्करी वेपर लैंप दो प्रकार के हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर कौन से होते हैं और हाई प्रेशर कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, जिनके अंदर वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडल के दाब से कम दाब पर यदि किसी लैंप के अंदर गैस भरी जाती है, यानी वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर यदि किसी लैंप के अंदर गैस भरी जाती है तो वो तो कहलाते हैं लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। और जिन लैंपों के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर या अधिक प्रेशर पर गैस भरी जाती है उन्हें हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो आज का अपना टॉपिक है। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप को शॉर्ट में LPMV के नाम से जानते हैं, लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की लिए केवल एक ही लैंप आता है अपना, जिसे अपन फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप बोल दो या ट्यूबलाइट बोल दो, एक ही बात है। यानी लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो है, यानी LPMV लैंप जो है, इसके लिए केवल एक ही प्रकार का लैंप आता है, जो है फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप को अपन अपनी भाषा के अंदर जो है ट्यूबलाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट। तो आज अपन इसी ट्यूबलाइट को समझेंगे। इसके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग आजकल इसी का हो रहा है। तो ये अपन समझेंगे ट्यूबलाइट के बारे में, यानी फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में। फ्लोरोसेंट लैंप इसको क्यों कहा, इन्हीं बातों को अपन जानने वाले हैं। इसको लो प्रेशर क्यों कहा गया, तो ये तो अपन पता कर चुके, क्योंकि इनके अंदर वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर इनके अंदर गैस भरी जाती है, इसलिए इन्हें लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप कहते हैं। तो आगे चलते हैं अपन इस लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की कुछ बातों को जानने के लिए। आगे देखिए इसकी कुछ मुख्य बातें अपन समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अपन इसके लिए देखेंगे कि ये जो लैंप होते हैं, यानी ट्यूबलाइट जो होती है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं, ये कितने वाटेज तक बनाए जाते हैं। तो ये जो है 20 से 40 वाटेज तक मार्केट में उपलब्ध होते हैं, नॉर्मली इतने ही होते हैं। तो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से भी यही याद रखना है। और ज्यादातर उपयोग जो है वो 40 वाट का करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट आने लग गई है, तो वो जो है कम वाटेज की आती है, यानी वो 36 वाटेज की लगभग आती है। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये बाजार में या मार्केट में या बनाई जाती है 20 से 40 वाट तक ये ट्यूबलाइट जो है बनाई जाती है। अगली इसकी मुख्य बात यह है कि ये ट्यूबलाइट जो है इसकी कुछ लंबाई होती है, यानी जो ट्यूब होती है उसे ट्यूब की कुछ लंबाई होती है। तो ट्यूब की लंबाई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो ट्यूब की लंबाई जो है ये कितनी होती है, तो ये अपन देखेंगे। ये होती है 1 से 5 फीट के लगभग होती है इसकी लंबाई। इसको जो है अपन ऐसे कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इस ट्यूब का कुछ व्यास होता है, तो व्यास मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्यास जो है 2 से 4 सेंटीमीटर इसका
व्यास होता है, यानी ये गोल आकार की एक ट्यूब होती है, आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई तो जो है वो 1 से 5 फीट होती है, यानी 30 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इस ट्यूब का व्यास जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। और इसकी कुछ मुख्य बातें ये है कि इस ट्यूब के अंदर भी 2 फिलामेंट होते हैं। जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के दोनों सिरों के ऊपर 2 फिलामेंट होते हैं। तो ये फिलामेंट किसके होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये फिलामेंट जो है ये किस धातु के बने होते हैं, तो फिलामेंट जो है यहाँ पे ये टंगस्टन धातु के बने हुए होते हैं। फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि ये टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड होते हैं या जो फिलामेंट होते हैं ये जल्दी से ऑक्सीकरण नहीं हो, इनका जल्दी ऑक्सीकरण नहीं हो और पिघल के ये जल्दी खराब नहीं हो, इसके लिए इनको क्या किया जाता है, या तो कैडमियम सिलिकेट या बेरियम ऑक्साइड, इसके बेरियम ऑक्साइड आलेपित कर दिया जाता है। बेरियम ऑक्साइड आलेपित इन टंगस्टन फिलामेंट को कर दिया जाता है, यानी ये जो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं जो ट्यूब के दोनों तरफ होते हैं उन पर या तो कैडमियम सिलिकेट या कैडमियम की या फिर बेरियम ऑक्साइड की जो एक परत चढ़ा देते हैं, जिनसे ये जल्दी ऑक्सीकरण नहीं हो, इनका वाष्पीकरण जल्दी से नहीं हो और ये जो है जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए इन पर ये कार्य किया जाता है। अगली इसकी मुख्य बात ये है कि इसमें क्या भरा जाता है, यानी इस ट्यूब में किस प्रकार की गैस होती है, तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो है पारे की वाष्प भरी जाती है। पारे की वाष्प के साथ में इसके अंदर जो है ऑर्गन गैस का भी मिश्रण भरा जाता है, ऑर्गन गैस भी इसके अंदर भरी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। वापस देख लीजिए, ट्यूब जो होती है इसके अंदर पारे की वाष्प भरी जाती है और इसके अंदर जो है ऑर्गन गैस भी भरी जाती है, और ये गैस जो है वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर इस ट्यूब के अंदर भरी जाती है, और कम दाब पर भरे जाने के कारण ही इसको लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप बोला जाता है। और इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, इसके प्रकाश के रंग पर, यानी इसके प्रकाश का जो रंग है वो कैसा होगा, प्रकाश का रंग, तो प्रकाश का रंग जो है ये कैसा होगा, तो नॉर्मली जो यूज होती है वो प्रकाश का रंग जो है वो दिन जैसा प्रकाश ये उत्पन्न करती है, दिन में जैसा प्रकाश होता है दिन जैसा ये प्रकाश उत्पन्न करती है। अगर रंगों के बारे में अगर नाम देके ऑप्शन में पूछा जाए तो आप जो है इनको बोल सकते हो नीला प्लस सफेद रंग का ये मिश्रण होता है इसके प्रकाश के अंदर। ये प्रकाश का रंग जो है ये इस ट्यूब के अंदर लेप किए गए फ्लोरोसेंट पदार्थ पर निर्भर करते हैं। आगे समझेंगे कि ये किस किस पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी ट्यूब के अंदर एक परत लगाई जाती है जो फ्लोरोसेंट पदार्थ कहलाता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिससे ये प्रकाश निर्भर करता है। प्रकाश का रंग और प्रकाश की तीव्रता उस फ्लोरोसेंट पदार्थ पर निर्भर करती है। तो मुख्यतः ये नीला सफेद रंग वाला ट्यूबलाइट प्रयोग किया जाता है, तो ये अपन को याद रखना है। ये नीला और सफेद प्रकाश कौन से मटेरियल से उत्पन्न होगा तो ये भी अपन समझेंगे, आगे देखेंगे इसको। उससे पहले देखते हैं कि इसकी जो है दक्षता कितनी होती है, यानी प्रकाश दक्षता इस ट्यूबलाइट की कितनी होती है, तो ट्यूबलाइट की प्रकाश दक्षता जो है ये होती है अपने 60 ल्यूमन प्रति वाट 60 ल्यूमन प्रति वाट ट्यूबलाइट की दक्षता होती है। कई किताबों में इसको जो है 40 से 60 ल्यूमन भी लिखा गया है, तो ये भी याद रखना है। वैसे स्टैंडर्ड अगर पूछा जाए, स्टैंडर्ड अगर अपन जो इनके न्यूमेरिकल करते हैं उनके अंदर इसको 70 ल्यूमन प्रति वाट से इसके न्यूमेरिकल हल होते हैं, तो ये अपन देखेंगे। लेकिन अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि इसकी प्रकाश दक्षता कितनी होती है, 60 ल्यूमन प्रति वाट के लगभग इसकी प्रकाश दक्षता मानी जाती है। और इसकी कार्यकारी आयु अगले अपना है, कार्यकारी आयु कितनी होती है इस ट्यूब की, तो इसकी कार्यकारी आयु जो है ये होती है
5000 से 7500 कार्यकारी घंटे जो है इसकी आयु मानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। और इसकी एक अंतिम बात ये है कि ये उद्दीप्त लैंप यानी इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं, उद्दीप्त लैंप से कम उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये बात इसकी याद रखनी है। वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऊपर लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप पढ़ रहे हैं। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप को शॉर्ट में LPMV बोला जाता है और इसको फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट कहा जाता है, ट्यूबलाइट इसको बोला जाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें यह है कि ये जो है 20 वाट से 40 वाट तक ये बनाई जाती है या बाजार में उपलब्ध है। ट्यूबलाइट की जो लंबाई होती है या जो ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 1 से 5 फीट होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो इसको 30 से 150 सेंटीमीटर अपन बोल सकते हैं। इंचेज में वगैरह आप जो है इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर इसका व्यास पूछा जाए तो वो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर इस ट्यूब का व्यास होता है। इस ट्यूब के दोनों सिरों पर 2 फिलामेंट होते हैं और ये फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु के होते हैं जो बेरियम ऑक्साइड आलेपित होते हैं। बेरियम ऑक्साइड के अलावा जो है ये कैडमियम सिलिकेट या कैडमियम के आलेपित भी हो सकते हैं। और इनके अंदर जो है पारे की वाष्प भरी जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ट्यूब के अंदर पारे की वाष्प भरी जाती है, पारा नहीं भरा जाता है, पारे की वाष्प भरी जाती है और ऑर्गन गैस भरी जाती है इसके अंदर, दोनों का मिश्रण भरा जाता है साथ में। और इसके प्रकाश का रंग जो है वो दिन के जैसा प्रकाश ये उत्पन्न करती है। और इसका प्रकाश यदि रंगों के लिए पूछा जाए तो नीला प्लस सफेद रंग का मिश्रण इसके प्रकाश के अंदर होता है। इसके प्रकाश का जो रंग है वो इसके अंदर लगाए गए फ्लोरोसेंट मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर प्रकाश का रंग और प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है, उसी के अनुसार इसकी प्रकाश दक्षता घटती बढ़ती रहती है। तो अगर नॉर्मली पूछा जाए तो प्रकाश दक्षता यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता जो है 60 लुमन प्रति वाट होती है। कार्यकारी आयु जो है इसकी 5000 से 7500 कार्यकारी घंटे होते हैं और ये उद्दीप्त लैंप से कम उष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी जो इनकैंडिसेंट लैंप जो है वो उष्मा ज्यादा उत्पन्न करते थे क्योंकि उनका उसमें सिद्धांत पर ही वो प्रकाश उत्पन्न करते थे, जबकि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है ये उसकी तुलना में कम उष्मा उत्पन्न करती है। आगे के टॉपिक में अपन जानने वाले हैं इसी के लिए जो इसके मुख्य भाग होंगे, तो मुख्य भाग अपन देखने वाले हैं। इसी के आगे के टॉपिक में अपन देखते हैं कि इस ट्यूबलाइट के यानी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो होती है इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और भागों की कार्य प्रणाली अपन साथ साथ में समझते जाएंगे। तो उन भागों को भी आप ध्यान से समझिए और उसकी ट्यूबलाइट की पूरी कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो देखते हैं अपन इसके भाग यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब के भाग कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, ये अपन देखने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इसके भाग जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहला मुख्य भाग जो इसका होता है वो होता है स्टार्टर, यानी इस ट्यूबलाइट के अंदर एक स्टार्टर प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे कैसा होता है स्टार्टर और क्या कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा भाग आता है इसके अंदर चोक, ये चोक भी इसके अंदर एक मुख्य रोल अदा करता है, तो ये भी अपन देखेंगे। तीसरा इसका भाग जो है वो आता है फ्लोरोसेंट ट्यूब इसका मुख्य भाग है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब अपन सब समझ लिए, जो भी सारी कार्यविधि देखे थे वो फ्लोरोसेंट ट्यूब की थी। तो अपन आगे जो बात करेंगे वो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे बात करेंगे, यानी इसके अंदर जो पदार्थ का लेप किया जाता है वो कौन सा होता है। और चौथा इसका भाग है जो ज्यादातर यूज नहीं होते नॉर्मली, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर प्रयोग नहीं करेंगे तो भी ट्यूबलाइट का प्रचालन संभव होता है, लेकिन कैपेसिटर प्रयोग करना चाहिए, ये भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इन एक एक भागों को अपन समझते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले अपन स्टार्टर को समझते हैं कि ये स्टार्टर जो है ये क्या कार्य करता है और इसकी क्या मुख्य मुख्य बातें हैं जिससे अपन से एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्टर जो है, ये स्टार्टर के प्रकार अपन देख रहे हैं कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। तो स्टार्टर के मुख्य रूप से 2 प्रकार है। पहला प्रकार जो आता है वो है ग्लो टाइप स्टार्टर
दूसरा इसका प्रकार है वो है थर्मल टाइप स्टार्टर, थर्मल टाइप स्टार्टर। ये इसके दो प्रकार है स्टार्टर के, यानी ट्यूबलाइट के अंदर जो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है ये स्टार्टर दो प्रकार के होते हैं, ग्लो टाइप स्टार्टर और थर्मल टाइप स्टार्टर। इसकी कार्यप्रणाली में यहाँ पे चित्र बना के समझा रहा हूं, देखो आप इसको ध्यान से समझिए। ये इसकी ट्यूब अपन समझते हैं और इसके अंदर ये दो फिलामेंट होते हैं जो टंगस्टन के होते हैं। यहाँ पे एक फिलामेंट ये है और दूसरा फिलामेंट ये है, ये दो फिलामेंट इसके दोनों सिरों पे होते हैं। इसका पूरा परिपथ मैं आपके सामने बना देता हूं, ये इसका परिपथ इस प्रकार से होता है, ये इसका पूरा परिपथ है। ये जो भाग है इसी को भाग को बोलते हैं अपन स्टार्टर, और ये स्टार्टर मैंने आपको बताया है अभी कि ये स्टार्टर जो है ये दो प्रकार के स्टार्टर होते हैं, तो ये अपन ने देखा था। और इसका आगे का भाग जो है इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे एक चोक लगता है और ये आगे इधर फिर यहां से ये सिंगल फेज एसी सप्लाई के अंदर ये दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये होता है, तो स्टार्टर में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्टार्टर कहाँ लगता है और कैसा इसका सिंबल होता है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है। आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से प्रकार का स्टार्टर जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ये अपन को देखना है कि सबसे ज्यादा जो स्टार्टर है वो अपने ग्लो टाइप का स्टार्टर जो है ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और स्टार्टर की कुछ मुख्य बातें अपन देखते हैं कि ये स्टार्टर के अंदर कौन से प्रकार की गैस भरी जाती है, यानी स्टार्टर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, तो स्टार्टर के अंदर जो है हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। तो ये आपको याद रखना है कि स्टार्टर में कौन से प्रकार की गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस अपन को बताना है कि स्टार्टर के अंदर हीलियम प्रकार की गैस जो है ये भरी जाती है। स्टार्टर की और मुख्य बातें क्या है, तो स्टार्टर का जो है अपन देखते हैं कि स्टार्टर परिपथ के अंदर क्या कार्य करता है, तो स्टार्टर परिपथ के अंदर क्या करता है, तो ये प्रति मिनट 20 से 25 बार प्रति मिनट 20 से 25 बार परिपथ को ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है, ऑन या ऑफ करने का कार्य करता है। यानी स्टार्टर का परिपथ के अंदर क्या कार्य है, तो प्रति मिनट की दर से परिपथ को 20 से 25 बार ऑन ऑफ करने का कार्य जो है ये होता है अपने स्टार्टर का। और इसका कुछ मुख्य कार्य क्या है और इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है कि ये परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से ऑन ऑफ कर देती है, तो इसके अंदर जो है द्विधात्विक पत्ती लगी होती है। ये इंग्लिश में इसको जो है बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोला जाता है, तो इसका मैं आपको समझा के डायग्राम बना के बताता हूं कि इसके अंदर कैसी संरचना होती है। तो ये स्टार्टर की बाहरी संरचना है, इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से दो पत्तियां लगी हुई होती है, ये किसी ऐसी धातु की होती है जो कम टेम्परेचर पर जो है ठंडी हो जाए और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही ये जो है गर्म होके अलग हो जाए, तो ये इस प्रकार की इसकी कुछ संरचना होती है। ये इसके दो टर्मिनल होते हैं जो परिपथ को कनेक्ट करने के लिए कार्य किया जाता है। तो ये था अपना स्टार्टर और स्टार्टर का सिंबल अपन ने ये दिखा दिया है। अपना जो समझने का कार्य है कि प्रति मिनट 20 से 25 बार परिपथ को ऑन ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ी थी अपन को कि ये अपन ने स्टार्टर लगाया, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन समझेंगे कि ये चोक क्या होता है, तो चोक को समझेंगे और फिर बाद में अपन देखते हैं कि ये 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से जो है ये परिपथ को ऑन ऑफ करने की इसी क्या जरूरत पड़ी थी। तो दूसरा जो ट्यूबलाइट का भाग है वो अपन पढ़ेंगे कि ये चोक क्या होता है। तो चोक का अन्य नाम जो है वो तो होता है बेलास्ट, चोक को जो है बेलास्ट बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चोक जो है इसके लिए आपको ये याद रखना है कि चोक के कितने प्रकार होते हैं, यानी ट्यूबलाइट के अंदर जो चोक प्रयोग किए जाते हैं वो चोक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो चोक जो है बहुत प्रकार के होते हैं, यानी जैसे मैं आपको बताऊं वायु क्रोड युक्त, लोह क्रोड युक्त, फेराइट क्रोड युक्त, ऐसे बहुत प्रकार के ये जो है चोक बनाए जाते हैं। लेकिन ट्यूबलाइट के अंदर दो प्रकार के चोक प्रयोग किए जाते हैं, एक तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है लोह क्रोड युक्त, लोह क्रोड युक्त चोक जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और दूसरा टाइप जो है वो जो वर्तमान में यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का चोक, इलेक्ट्रॉनिक चोक,
इलेक्ट्रॉनिक चोक वर्तमान में यूज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चोक के अंदर फोल्ट जो है वो कम आते हैं और इनकी जो ट्यूब आती है उनकी वाटे क्षमता भी कम होती है, तो ये अपने चोक जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। और चोक का अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो चोक का कार्य क्या होता है, तो चोक का कार्य अपन बता रहे हैं कि ट्यूब में गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया के लिए हाई वोल्टेज उत्पन्न करना, ये इस चोक का कार्य है। देखो वापस समझो इसको मैंने क्या कहा है, यानी ये चोक जो है ये इस परिपथ में क्यों जोड़ा गया है, तो ये जो ट्यूब है इसमें गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए शुरुआत में हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। यानी आप इसको गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया नहीं समझ रहे तो आप ऐसा समझिए शुरुआत में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो इसके अंदर गैस भरी गई है, मरकरी पारे की वाष्प और ऑर्गन जो गैस भरी गई है उनको चार्ज करने के लिए शुरुआत में हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, और अपने पास यहां से देने के लिए केवल सिंगल फेज का वोल्टेज होता है, तो 1000 वोल्टेज लगभग इसको दिया जाता है तब जाके ये गैस डिस्चार्ज होती है। यानी इसको कितना वोल्टेज दिया जाता है, लगभग इसको 1000 वोल्टेज प्रदान किए जाते हैं। 1000 वोल्टेज इसको रेगुलर प्रदान नहीं किए जाते हैं, ये चोक रिएक्टेंस के कारण क्या हो जाता है, इसका कार्यकारी वोल्टेज इसका घटकर जो है वो 100 से 110 वोल्टेज भी रह जाता है। यानी ये जो वर्किंग वोल्टेज जो इस ट्यूबलाइट का है वो 100 से 110 वोल्टेज ही रहता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये चोक की कुछ मुख्य बातें थी, और अगर अपन आगे वाली चीजों को समझते हैं कि ये चोक जो है क्या कार्य करेगा और ये ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर है ये 20 से 25 बार परिपथ को ऑन ऑफ क्यों करता है, इसी क्या जरूरत पड़ी थी। तो चोक का कार्य तो मैं आपको बता देता हूं कि गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए हाई वोल्टेज जरूरत होती है, तो वो हाई वोल्टेज कौन देगा, ये चोक देगा। स्टार्टर की क्या जरूरत पड़ी, तो स्टार्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि देखो अगर 1000 वोल्टेज इन दोनों टंगस्टन फिलामेंट को अपन रेगुलर प्रदान करेंगे तो ये फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाएगा और फिलामेंट टूट के अलग हो जाएंगे, यानी फिलामेंट खराब हो जाएगा, ट्यूबलाइट अपनी खराब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो पारी की वाष्प है उससे इलेक्ट्रॉनों का मुक्ति जो है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है पारी की वाष्प की, उसको बढ़ा दिया जाता है, और वो बढ़ाने के लिए परिपथ को बार बार ऑन ऑफ किया जाता है, और ऑन ऑफ जो है अपन हाथ से नहीं कर सकते, मैनुअल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये स्टार्टर ऐसा परिपथ है जो परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से ऑन ऑफ करा देता है। तो ये स्टार्टर का मुख्य कार्य है जो आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं अपन ये फ्लोरोसेंट पदार्थ अपन देखते हैं, और फिर आगे भी क्लास में अपन देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, वैसे भी टाइम की बहुत कमी है तो देखते हैं अपन। ये तीसरा अंतिम आज का टॉपिक जो है वो है फ्लोरोसेंट पदार्थ जो है ये अपन देखते हैं। तो फ्लोरोसेंट पदार्थ क्या होता है कि जो ट्यूब होती है उसके आंतरिक सतह के ऊपर एक मटेरियल की परत जमा दी जाती है। वो परत क्यों जमाते हैं, तो ये जो ट्यूबलाइट जो है ये टंगस्टन और मरकरी की वाष्प और ऑर्गन ये तीनों मिलकर जो है जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनकी जो तरंगे होती है वो तरंगे जो है अल्ट्रावायलेट होती है, यानी यूवी होती है, पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न करती है ये टंगस्टन फिलामेंट और मरकरी वाष्प और ऑर्गन गैस मिलके। तो इस अल्ट्रावायलेट बैंगनी पराबैंगनी जो तरंगे होती है ये दृश्य प्रकाश की श्रेणी में नहीं आती है। तो ये फ्लोरोसेंट जो पदार्थ होता है ये फ्लोरोसेंट पदार्थ लगाया कहा जाता है ट्यूब के आंतरिक सतह पर, इसका लेप चढ़ाया जाता है, और ये फ्लोरोसेंट पदार्थ जो क्या करता है इन पराबैंगनी तरंगों को दृश्य प्रकाश की तरंगों में बदल देता है। दृश्य प्रकाश की तरंगें या क्या होती है जिसका 380 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से नैनोमीटर से तरंग दैर्ध्य इनका ऊपर होता है, यानी 380 नैनोमीटर से जिनका तरंग दैर्ध्य ऊपर होता है वो जो है दृश्य प्रकाश की श्रेणी में आती है, और कहां तक की आती है 760 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होती है इन दोनों के बीच का जो प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश की श्रेणी में आता है। इसका जो वीडियो है अपन पहले अपलोड कर चुके हैं। तो फ्लोरोसेंट पदार्थ जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसके ऊपर जो है प्रकाश का रंग प्रकाश का
रंग निर्भर करता है और प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है, तो ये आपको याद रखना है, प्रकाश का रंग और प्रकाश की तीव्रता इस फ्लोरोसेंट पदार्थ पर ही निर्भर करती है। अच्छा, इसके प्रकाश का रंग जो है वो कैसे होगा और कौन से पदार्थ का मटेरियल, तो इसके अंदर जो है मैग्नीशियम टंगस्टेट मैग्नीशियम टंगस्टेट फ्लोरोसेंट पदार्थ इसके अंदर मुख्य रूप से ये मैग्नीशियम टंगस्टेट का लेप किया जाता है और इसके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो नीला प्लस सफेद रंग का मिश्रण इसके अंदर होता है। नीला प्लस सफेद रंग के मिश्रण जो है इस मैग्नीशियम टंगस्टेट के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो नॉर्मली ये यूज होता है, अगर इसको आपको ध्यान से समझना है तो आप जो है बहुत सारी किताबों में ये लिखे हुए हैं, अपन कल अगले वीडियो में जो है इनको भी बता देंगे। तो ये फ्लोरोसेंट पदार्थ है, कैपेसिटर अपना बचा हुआ है और ट्यूबलाइट के पार्ट्स की टेस्टिंग बची हुई है, तो ये अपन अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।